हेलो जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता खुद वो अपनी तस्वीर बदल दे। आज हम आपको पैरामिलिट्री फोर्स के सीआरपीएफ के जवान से मिलाने वाले हैं, उनकी बातें सुनाएंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, उन्होंने कैसे सीआरपीएफ ज्वाइन की, उनकी क्या परिस्थितियां थी। काफी गरीब घर के बिलोंग करते थे, फिर भी अपनी परिस्थिति, अपने जुनून से, अपनी मेहनत के बदौलत आज वो सीआरपीएफ ज्वाइन की। चलिए मैं आपको सोहेब से मिलाता हूँ, जो एक सीआरपीएफ के जवान है जो सिर्फ मात्र 20 साल के हैं। सोहेब जी, सबसे पहले मैं आपसे जानते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, और जिस तरह से नॉर्मल और मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, उस तरह से मेरा भी एक परिवार था, जिसमें मेरे फादर तो नहीं थे, मम्मी भी नॉर्मल हाउस वाइफ है, और इसके अलावा भी मेरे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कोर्स में लगा हो या फिर कुछ भी इस तरह से वो भी नहीं था, पर यह फिर भी मैंने कर लिया। मेहनत और जुनून के बदौलत आपने सीआरपीएफ ज्वाइन की। बिल्कुल, ये है कि आपको सच्ची लगन से और सच्ची उससे अगर आप तैयारी करते हो तो आपको जरूर अपना मुकाम हासिल हो जाए। वैसे अगर आपने बताया आपके फादर नहीं है, तो आपको आर्थिक परिस्थितियां काफी ज्यादा आपको हावी हुई होंगी। बिल्कुल, ये तो है, खैर आर्थिक परिस्थितियाँ होती है, पर अगर आप चाहें तो कम साधनों में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सोहेब जी, आप ये बताइए, पहले आपने तैयारी कहाँ से की और कैसे की? तैयारी के लिए मैंने इस मतलब कई जगह पर अपना ध्यान नहीं करा, मेरे को सिर्फ एक ही जगह पता थी, चार्ली एकेडमी, वो क्योंकि मेरा जो एक फ्रेंड था वो भी पहले से ही करता, प्लस जो चार्ली एकेडमी के हेड हैं जीतू सर, वो भी हमारे स्कूल में एक बार आए थे जो टेंथ में था, तो उसके बाद से मुझे मालूम था कि चार्ली एकेडमी जो है इस कोर्स में भर्ती करने के लिए अपना, बिल्कुल ये अकेडमी जो है कोर्स की तैयारी के लिए ही बनी है, तो तब मैंने सीधा चार्ली एकेडमी में एडमिशन कराया, और उसके बाद से ही मेरी प्रिपरेशन तैयार हुई। सोहेब जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानते हैं कि आपका शेड्यूल कैसा रहा जब आप एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे थे? एसएससीजीडी की तैयारी के लिए हो या आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये है कि सुबह रनिंग के लिए जाना पड़ेगा, और रनिंग के लिए मैं यहाँ से चार्ली एकेडमी से मुनका ग्राउंड में ट्रेनिंग होती थी हमारी, तो मुनका ग्राउंड में मैं जाया करता था। इसके अलावा रिटर्न की क्लास होती थी, वो भी रिटर्न क्लास चार्ली एकेडमी से मिल रही है। उसके अलावा घर पर भी सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है, ये नहीं है कि सिर्फ आप चार्ली एकेडमी की एक कोई भी इसके अलावा कोई अकेडमी हो उसके भरोसे बैठ जाओगे तो वो नहीं चलेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपने मुकाम को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हो। प्लस ये था कि जब तक मैं भर्ती नहीं हुआ था तब तक मैंने कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी मैं कोई व्हाट्सअप फेसबुक इन सब चीज़ों में एक्टिव नहीं था, मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर था मैं। वैसे आपकी पोस्टिंग कहाँ हो तो आपको अच्छा लगेगा? मेरी पोस्टिंग अगर जम्मू कश्मीर के एरिया में हो जाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे अगर आप देखते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ रोज आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, तो आपके मन में कुछ आशंकाएं, कुछ डर नहीं होता? डर तो होता है, पर यह है कि ट्रेनिंग टाइम में हम लोग को इतना सिखा दिया गया है, इतना कर दिया गया है कि डर हम दुश्मन के मन में बैठाते हैं अपने मन में। सीआरपीएफ में प्रमोशन में क्या क्राइटेरिया है? सीआरपीएफ में आपको अगर नॉर्मल प्रमोशन लेना है तो काफी सीआरपीएफ काफी बड़ी कोर्स है, इस वजह से काफी टाइम लग जाता है। अगर आप नॉर्मल प्रमोशन लेना चाहते हो जैसे 10 साल या 15 साल 17 साल ऐसे लगते हैं, पर अगर आप अपने अंदर काबिलियत रखते हो, अपने अंदर जुनून रखते हो, तो आप नॉर्मल भर्ती होकर भी आगे प्रमोशन ले सकते हो टेस्ट द्वारा, अगर आप टेस्ट नॉर्मली क्लियर करके जिस तरह से होता है डिपार्टमेंट एग्जाम, बिल्कुल इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कम समय में अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। सोहेब जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे काफी सारे लड़के इस समय तैयारी कर रहे हो, काफी सारी भर्ती आ चुकी है आपकी, दिल्ली पुलिस की आई है, एसएससीजीडी की चली रही है अभी आपकी, उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका एम है, जो लक्ष्य है आपका, वो क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा भी जैसे आप यार दोस्तों में बैठना या फिर कुछ भी इस तरह के टाइम वेस्टिंग जो होते हैं, टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रखना है, और दूसरा ये नहीं है कि आप कम साधनों में या फिर कम उसमें आप नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें तो कम साधनों में भी कम सुविधाओं में मेहनत के बदौलत आप अपनी मेहनत, बिल्कुल आप अपनी मेहनत के बदौलत सब कुछ, अपना जो लक्ष्य है आपने जो रखा है वो आप हासिल कर सकते हैं। सोहेब जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका कट ऑफ 50 था, तो आपने किन किन सब्जेक्ट पर फोकस रखा? आपको किसी भी उसमें भर्ती होना है, एसएससीबी द्वारा या किसी भी कोर्स में भर्ती होना है, ये नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा भी पहले यही सोचना था कि जैसे मेरे जीके वगैरह काफ़ी ठीक थी, इसी तरह से दो एक सब्जेक्ट तो ठीक थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि इन दो सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लूँ, बाकी में ना करूँ तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको इस तरह से एग्ज़ाम तैयार किया गया है कि आपको सभी में अच्छे मार्क्स करने पड़ेंगे,
तो सुरेश जी जैसे आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुए कि आपको लगता है यार एसएससी इतना टफ है, 30-30 लाख लड़कों ने फॉर्म भर रखा है, इतनी कम वैकेंसियां है, तो आपको नहीं लगा कि यार मेरा होगा नहीं होगा, मैं क्या जवाब दूंगा अपने घर पे? ये तो है कि काफी सारे लोग फॉर्म भरते हैं, पर मेरे को सिर्फ एक सीट चाहिए थी और उसमें एक सीट थी, तो इसलिए मैंने अपना लक्ष्य क्लियर रखा कि मुझे एक सीट चाहिए और वो एक सीट वहां पर है ना। मैं इस तरह के कोई भी न्यूज या आर्टिकल को बोलता हूँ, सुनता भी नहीं था, मेरे को एक लक्ष्य क्लियर था अपना, बिल्कुल एक सीट वहाँ है और एक सीट ही मुझे चाहिए बस। बाकी आपको मालूम है कि जिस तरह से जीतू सर है एक्स सर्विस मैन रह चुके हैं, एक्स आर्मी में रह चुके हैं, तो उनको उनका जो मोटिवेशन है, अगर वो ग्राउंड में एक बार आ जाते हैं तो वो एक लंगड़े बंदे को भी 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आराम से उड़ा सकते हैं। आपको काफी ज्यादा उनसे मोटिवेशन मिलता होगा क्योंकि वो भी एक आर्मी के एक्सपर्सन रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे जो सबसे ज्यादा मोटिवेशन था उन्हीं से ही मिलता था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं फिजिकल में इतना अच्छा नहीं था, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हुआ, लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया। सुरेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए टाइम निकाला और देश के नौजवानों के लिए टाइम निकाला जो भर्ती देख रहे हैं, आपकी बातों पर अगर इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे तो जरूर एक दिन आपकी आपकी तरह ही भर्ती पा लेंगे। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं, और भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे भर्ती की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।